this? See, for Amit Shah, it's a kind of sweet revenge when Ahmed Patel, who created havoc in his life and in Modi's life. So there's an element of personal revenge out here? Not party revenge, organization revenge. Organization where this person who has been, he was back. Arjun Motwani is speaking. I want to cut live to that. Arjun Motwani in the middle of the screen. Please, let's hear him. His agent, जो शक्ति सिंह गोहिल से है, उनको ही बताना। लेकिन उनके बताने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तीनों कैंडिडेट्स को अपना वोट बताया। और उसी समय इलेक्शन कमीशन का वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा था। इसलिए हमने मांग की है, उसी समय मांग की थी, रिटर्न में भी दिया था कि ये वोट अंदर नहीं डालना चाहिए बॉक्स में और ये रद्द होना चाहिए। तभी ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिस अफसर थे, उन्होंने कहा था कि मैं वीडियो देखकर डिसीजन लूंगा। हमने वीडियो जॉइंटली देखने के लिए आग्रह किया कि बीजेपी, कांग्रेस और प्रिसाइडिंग ऑफिसर साथ में मिलकर ये पूरा वीडियो देखे और उसके बाद प्रिसाइडिंग अफसर डिसीजन ले। लेकिन भाजपा ने ऑब्जेक्शन लिया, इसलिए कि ये वोट दोनों कैंडिडेट्स, जो दोनों एमएलए थे, उन्होंने ओपन कर दिया। और ये ऐसी तरह ओपन होने के कारण हरियाणा और राजस्थान दोनों में राज्यसभा के इलेक्शन में ऐसे वोट रद्द किया गया था, कैंसिल किया गया था। लेकिन अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया है। रूल्स एक ही होना चाहिए, जो हरियाणा में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, वही गुजरात में दो एमएलए ने अपना वोट ओपन करके बीजेपी के कैंडिडेट्स को दिखाया है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत की, करोड़ ऑफ रुपीज की बैग लेकर हर एमएलए के घर पे गए, उनको ये लालच दी गई, पुलिस अफसर का उपयोग करके धमकियां दी गई, हमारा एक एमएलए का किडनैप करके उनके घर ले जाकर जो बीजेपी के कैंडिडेट अमित शाह थे उनके साथ बात करवाने के भी दबाव डाला गया। उसके बाद हम वहां भी, यहां से बेंगलोर हमारे एमएलए को ले गए, वहां भी ये जो रिसोर्ट पर हमारे एमएलए थे वहां इनकम टैक्स का रेड डाली गई, हमारे एमएलए के इंट्रोगेशन वहां भी की गई, वहां भी धमकियां देने की कोशिश हुई। इसलिए ये पहले से ही ये चुनाव उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं थे तो भी ऐसी तरह खरीद फरोख्त की राजनीति करके वो जीतना चाहते, और इसलिए आज मॉर्निंग में भी यही कोशिश हुई कि जो हमारे कांग्रेस के एमएलए थे उनका वोट बीजेपी को दिखा रहे थे कि देखो आप, मैंने आपको वोट दिया है। ऐसी तरह कभी नहीं चल सकता, ये इलेक्शन कमीशन का रूल के मुताबिक चलना चाहिए। हमने ऑब्जेक्शन लिया था, 9:30 बजे सुबह लिया था, अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन भी दबाव में, अगर दबाव में नहीं होता तो उसी समय जैसी तरह राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह तुरंत ही ये वोट रद्द किया गया था, बैलेट बॉक्स में डालने के लिए भी मना कर दिया था, लेकिन यहाँ डालने दिया गया और आज काउंटिंग में लेने के लिए आग्रह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम अभी भी अपेक्षा करते हैं कि जो भी घटना है पूरी वीडियो के सामने, ऐसा नहीं कि कोई छुपी जगह किया गया, और ये वोट रद्द बातल हो गए। और वैसे भी इतनी खरीद फरोख्त के बाद भी कांग्रेस पार्टी 45 वोट लेकर जीत रही है, उसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन जो न्याय है, हम न्याय के लिए बात कर रहे हैं, वो मिलना चाहिए। मॉर्निंग में 9:30 बजे हमने उसी समय पे उठाया था, वीडियो में रिकॉर्डेड है वो ऑब्जेक्शन, तुरंत ही आधे घंटे में हमने लिखित तौर पर दिया कि वोट रद्द बातल होना चाहिए, मॉर्निंग में दिया गया है। लेकिन अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन पर भी कितना दबाव डाला जा रहा है। पहले, सबसे पहले जो प्रिसाइडिंग अफसर थे डीएम पटेल, उन्होंने कहा कि आप सबके सामने मैं वीडियो में देखूंगा और उसके बाद डिसीजन दूंगा। लेकिन तीनों कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी के आए, उन्होंने दबाव डाला, उसके बाद वो जॉइंटली जो वीडियो देखना था उन्होंने मना कर दिया और अपनी बात में से भी पीछे हट गए। हम सब जानते हैं कि जो प्रिसाइडिंग अफसर है उसको दूसरी दफा एक्सटेंशन दिया गया,
इसलिए वो दबाव में है। इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आज तक ऐसे दबाव में नहीं आए, उनको दबाव में नहीं आना चाहिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने भी वोट दिखाया है, हमने ये बात कही है कि आरोप लगा रहे हैं, हमने कहा कि वीडियो देख लो, अगर किसी ने वोट दिखाया है कोई भी हो उसका रद्द होना चाहिए, सभी का रद्द हुआ जी। कांग्रेस का हारने का सवाल ही नहीं है, हमारे पास आज पर्याप्त जितना वोट चाहिए उससे ज्यादा वोट आए थे और हम जीत रहे हैं। ये दोनों वोट अगर रद्द नहीं भी होते हैं तब भी कांग्रेस ये चुनाव जीत रही है। सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर दबाव डाल रहे हैं, इसकी वजह से जो घटना सुबह 9:30 बजे हुई और उसी समय हमारा ऑब्जेक्शन हमने रिकॉर्ड किया, उसका डिसीजन अभी तक नहीं आया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि कितना दबाव है। दूसरी बात, इतना दबाव है कि एक दफा जो प्रिसाइडिंग अफसर है उन्होंने डिसीजन दे दिया कि हम जॉइंटली बीजेपी कांग्रेस और प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में ये वीडियो देखेंगे और उनके बाद डिसीजन लेंगे। दबाव डाला गया, उन्होंने अपनी बात फिर से वापस ले ली। क्यों? दोनों की बात सुननी चाहिए और प्रिसाइडिंग अफसर इंडिपेंडेंटली उनको डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन दबाव में आकर उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो भी उसमें से वो विथड्रॉ हो गए वापस। हम अपेक्षा करते हैं कि उस पर जल्दी डिसीजन आ जाए और इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान की आजादी के बाद इंडिपेंडेंट रहा है। सारी दुनिया हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी जो अभी तक की न्यूट्रलिटी रही है उस पर विश्वास रखा है ये, और ऐसी जिस आधार पर हमारे हरियाणा में हमारा एमएलए का वोट रद्द हुआ था, हमारे एक एमएलए का राजस्थान में वोट रद्द हुआ था, उसी आधार पर यहाँ वोट रद्द होना चाहिए,